नमस्कार। देश में कहीं पे भी अगर दलित आंदोलन होता है या कहीं पे दलित समारोह होता है तो वहां आपने एक नारा जरूर सुना होगा, जय भीम का नारा। क्या आपको पता है यह जय भीम का नारा कहां से आया? बहुत से जानकार, बहुत से इतिहासकार कहते हैं कि जय भीम का नारा जय हिंद और भारत माता के नारे से भी पुराना है। तो ये जय भीम के नारे की उत्पत्ति कहां से हुई, इसके बारे में इतिहासकार क्या कहते हैं और यह नारा इतना पॉपुलर क्यों हुआ, आज इसके बारे में अपन जानते हैं। आइए, कहां से आया जय भीम का नारा? टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विवेक कुमार बताते हैं कि इस नारे का इस्तेमाल पहली बार कोरेगांव की जंग में किया था। विवेक कुमार प्रोफेसर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, वो कहते हैं कि इस नारे का पहली बार इस्तेमाल कोरेगांव की जंग में हुआ था। कोरेगांव की जंग आपको पता होगी, यह जंग और किन किन के बीच में लड़ी हुई गई थी, देखिए, मराठा पेशवाओं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ बीच में लड़ी थी। मराठा पेशवाओं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ी थी। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है बीच में कि यह देखना आपकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तरफ से महार सिपाही, अपने इंडिया के महार जाति के लोग, जो महार सिपाही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी में भर्ती हुए थे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तरफ से लड़े थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तरफ से लड़े थे। तब महार सेना ने अपने खुद को मोटिवेट करने के लिए जय भीम का नारा दिया था। इतिहासकार विवेक कुमार कहते हैं कि जब कोरेगांव की जंग हुई थी, तब महार सिपाही ने अपने आप को, खुद को मोटिवेट करने के लिए जय भीम का नारा दिया था। खुद को उत्साहित करने के लिए जय भीम का नारा दिया था विवेक कुमार। एक इसकी स्टोरी और बताते हैं, कहते हैं 1936 में जब स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना हुई थी, उस वक्त मुंबई के चाल इलाके में अंबेडकर जी का जन्मदिवस समारोह हुआ था। जब 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना हुई थी, तब मुंबई के चाल इलाके में अंबेडकर साहब का जन्मदिवस मनाया था। और कहते हैं कि जिस दिन जन्मदिवस मनाया था, वहां पर जय भीम का नारा लगाया था, मनाया गया, कहते हैं वहां पर जय भीम का उच्चारण हुआ। जब बाबा साहब का जन्मदिवस मनाया गया, तो वहां पर पहली बार जय भीम का नारा दिया था। दलित मामलों के विद्वान कमल भारती कहते हैं 1960 में कवि बिहारी लाल हरित को इसका श्रेय दिया जाता है। विद्वान कमल भारती कहते हैं कि कवि बिहारी लाल हरित को इसका श्रेय दिया जाता है। कहते हैं कि कवि बिहारी लाल हरित, इन्होंने पहली बार जय भीम के नारा का उत्पत्ति की थी। दिल्ली में इस कवि ने पहली बार जय भीम के शब्द का इस्तेमाल किया था। जय भीम की उत्पत्ति के बारे में एक विद्वान और है, वो भी कहते हैं पीटी राम टेके ने अपने शोध पत्र में लिखा, इसका शीर्षक जय भीम के जनक बाबू हरदास एलेन, यह 2000 में शोध प्रकाशित हुआ था। उस वक्त उस शोध पत्र में बताया कि कैसे हरदास जी ने जय भीम के विचार को विकसित किया। अब एक बात यहां आती है कि क्या यह नारा जय हिंद और भारत माता की जय के नारे से पुराना है? अगर इतिहासकारों की अगर अपन ये बात मानते हैं कि 1 जनवरी 1818 में जो लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और मराठा पेशवाओं के बीच में, तब अगर जय भीम के नारे की उत्पत्ति हुई, तो बिल्कुल ये सत्य बात है कि जय हिंद और भारत माता की जय से पुराना ये नारा है। इसी के साथ आज यही, मेरा वीडियो आपको पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा।